तो ये जो है ये दो शेल्फ मैंने रखे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बगल में। तो आप ये शेल्फ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दो, पहले तो यहाँ पे हुक्स मैंने लगा के रखे हैं, यहाँ पे जो छन्नी है वगैरह है यहाँ पे टांग देती हूँ क्योंकि चाय वगैरह के लिए लगती है। ये स्टैंड है और इसके ऊपर भी जो है दो हुक्स लगा के रखे हैं, चिमटा टांग है और एक्स्ट्रा कुछ टांगने के लिए रखा है। और यहाँ पे भी एक मैंने तार ले लिया है, तार से मैंने यहाँ पे एक जो है ये कभी कभी अगर यहाँ पे एक जो है सीजर रखा है और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं नेट जैसा है। तो दूसरा जो है ये जो छोटा वाला शेल्फ है इसमें मैं थोड़े वो वाले बर्तन रखती हूँ जो बर्तन डेली यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे चाय के लिए एक गंजी रख दिया, दूध के लिए गंजी रख दिया, ये छोटा वाला जार जो मिक्सी का हमेशा यूज में आता है। ये जो है इस डब्बे में मैं थोड़ा सा आटा रखती हूँ चपाती पराठा बनाने के लिए, ये जो छोटा वाला जो है ये दाल वगैरह बनाने के लिए है। तो ये सब जो है डेली यूज होता है उसको मैं अंदर कैबिनेट में नहीं रखती हूँ। और ये एक दो कटोरी प्लेट वगैरह सब बाहर ही रहती है, ये संसी वगैरह हो गया, दाल घोटनी वगैरह हो गया। इसके नीचे मैंने जो ये टिश्यू पेपर से लगा रखे हैं यहाँ यहाँ पे, तो टिश्यू पेपर इसलिए लगा के रखे ताकि अगर ये गीला वगैरह हो तो ये एब्जॉर्ब कर ले। और इसी टिश्यू पेपर से जो प्लेटफॉर्म का मेरे को ऊपर से ऑयल वगैरह पोंछना रहता वो मैं कर लेती हूँ। तो ये डेली मैं लगभग चेंज कर सकती हूँ, डेली या एक दो दिन में मैं ये चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ जो ये बड़ा वाला शेल्फ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक मैंने कढ़ाई में ये आटा गूंथ के रखा हुआ है, और ये दूसरा ये जो है ये वुडन ट्रे है जिसको मैं कभी कभी चॉपर की तरह यूज करती हूँ। और ये यहाँ पे दो जो कंटेनर आपको दिख रहे हैं ये ऑयल के कंटेनर है, तो इसमें एक फ्रेश ऑयल और एक जो मैं तल के रखती हूँ वाला ऑयल रहता है। और ये जो है ये मेरा मसाला दानी है, मसाले में जो डेली यूज के जो मसाले रहते हैं वो हैं। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रखा है और यहाँ पे जो मेरा जो तवा है वो परमानेंट मैं यहीं पे रखती हूँ। अब मैं आपको इसके नीचे दिखाती हूँ, इसके नीचे भी थोड़ा सा स्टोरेज का मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ये मेरा ऑयल है जो मैं कटोरी में पराठा वगैरह सेकने के लिए रखती हूँ, और ये जो है सॉसर है तो ये दोनों तरफ रख देती हूँ, फिर ये जैसे ही गंदा होता है तो इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ऊपर और नीचे ऐसा करके मैंने स्टैंड में रखा है, इसको इस तरीके से अंदर स्लाइड करके रख दी है। और ये जो है ये जो है ये मेरा लहसुन और अदरक वगैरह पीसने के लिए मसाले के लिए लगता है वो है, ये मैंने वो किया है। तो इस तरीके से, तो प्लेटफॉर्म अगर आपका छोटा है तो आप इस तरीके से शेल्फ की यूज करके आप अपने प्लेटफॉर्म के कुछ आइटम इस तरीके से रख सकते हैं। और ये रहा ये जो है ये मेरा प्लेटफॉर्म है। आज आलू के पराठे बनाने वाली हूँ तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं। और इसके बगल में जो है ये सिंक एरिया है, तो सिंक के ऊपर यहाँ पे जो हमारा प्यूरीफायर लगा है, और इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं थोड़े से मैंने मनी प्लांट पानी में करके लगाए हैं, इधर ऊपर भी लगाए हैं और इधर ये साइड में भी लगाए हैं। तो ये साइड वाला भी काफ़ी अच्छा साइड से दूसरे तरफ से दिखता है, इधर से नहीं दिख रहा है ज़्यादा। और यहाँ पे एक डेटॉल की छोटी वाली बॉटल लेके आए थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो। और ये जो है ये मेरा लिक्विड है, यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो है इसमें निकाल के मैं यहाँ से बर्तन मांजने के लिए मुझे यूज़ में आता है। तो ये जो है ये आप दो ठो जो आप जार देख रहे हैं यहाँ पे, कंटेनर देख रहे हैं, वो यहाँ से एक्चुअली पानी थोड़ा लीक हो रहा है करके मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि पानी इसमें स्टोर हो जाता है। इस पानी को फिर मैं इसी में डाल देती हूँ, अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो ये जो है ये मेरा प्लेटफॉर्म हो गया। अब प्लेटफॉर्म के नीचे हम चलते हैं। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म के नीचे का एरिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये एक जो है ये पुट्ठे को मैंने कट किया है और इसमें मैं एक्स्ट्रा बॉटल्स रखती हूँ। इसके नीचे यहाँ पे एक जो आपको कंटेनर दिख रहा है ये जो है ये स्टील का है, इसको पीपा बोलते हैं हमारे तरफ, और ये शादी में मिला था। तो इसमें जो है मैं कुछ अपने कपड़े वाले जो बैग्स होते हैं जो आजकल शॉपिंग बैग्स के पॉलीथीन के बदले जो मिलते हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ एक्स्ट्रा। और ये जो है यहाँ पे जो पॉलीथीन है वो मैं ऐसा स्टोर करके रखती हूँ। अब इसके बाद में जो है ये दो कार्टन आपको दिख रहे हैं, इसमें भी ये एक पॉलीथीन है, ये मैं कचरा वगैरह के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि इससे मैंने अभी ये टर्मरिक मैंने इससे निकाला था तो इसको मैं स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ ख़राब, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है इसमें चिपका हुआ है। तो ये इसमें अभी और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जो रहता है पोटैटो रहता है, पोटैटो जो है ख़त्म हो गया है। तो इसमें इस तरीके से पोटैटो रखती हूँ और इस तरफ अनियन रखती हूँ तो ये इजीली प्लेटफॉर्म के नीचे से मैं निकाल सकूँ। और इसके सामने जो है ये आपको ये दो और ये तीन डब्बे जो दिख रहे हैं प्लास्टिक के, तो इसमें जो है ये मुरमुरे हैं,
इसमें जो है ये थोड़ा सा राशन का ही सामान जो है एक्स्ट्रा जो पैकेट्स हैं वो रखा हुआ है, मसाले वगैरह ये हो गया। और इसके नीचे जो है इसमें मैं अपना सारा जो है ऑयल जो है पाउचेस हम लेते हैं वो मैं रखती हूँ इसके अंदर आपको दिख रहा है। और ये जो ये एक डलिया जो दिख रहा है ये मैं रोज बर्तन करके इसमें रख देती हूँ। तो ये जो ये नीचे का एरिया है वो हो गया प्लेटफॉर्म का। अब मैं इसके बगल में आपको सिंक के नीचे का एरिया दिखाती हूँ। तो सिंक के नीचे का एरिया में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, आप देख सकते हैं जो क्लीनिंग वाले जो कुछ आइटम्स हैं वो मैंने रखा है। ये जो है ये नया हमने बड़ा सा जो है कंटेनर लिया है सोडियम क्लोराइड का, ये जो है आजकल डिसइंफेक्ट करने के लिए अगर आप कोई पार्सल मंगा रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो इसको मैंने स्प्रे बॉटल में थोड़ा डाल के रखा और इसको मैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी थोड़ा सा पानी में डाल के इसके से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आइटम नहीं है, सब क्लीनिंग वाले ही थोड़े बहुत आइटम हैं। अब ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा जो डोर है ये डोर जो है बालकनी की तरफ जाता है, ड्राई बालकनी की तरफ। यहाँ दो डोरमेट रखे हैं। अब मैं आपको अपनी चेयर दिखाती हूँ। तो ये जो चेयर है आप देख सकते हैं एक ये रिवॉल्विंग चेयर मैंने ले रखी है। तो ये चेयर मैंने जैसे बताया कि मैं ज़्यादा देर खड़े होके, बैक का मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा देर खड़े होके काम नहीं कर सकती, तो इसलिए चेयर में बैठ के मैं चपाती वगैरह सेकती हूँ। तो ये इस तरीके से ये मैंने हाई चेयर रिवॉल्विंग वाली रखी है, इससे काफ़ी काम जो है कम्फर्टेबली हो जाता है मेरा। तो ये बीच में इस तरीके से रहता है और इसमें एक नैपकिन मैं रख दी रहती हूँ हाथ वगैरह पोंछने के लिए। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, ये एक और कैबिनेट है फुल साइज का। तो इसमें ये जो है ये ग्लास वाला मैंने इसको करवा रखा है ताकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले हो और ये अच्छा दिखे। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो जो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे भी कुछ प्लास्टिक के टिफिन बॉक्सेस हैं। तो ये जो बॉक्स हैं ये मैंने डीमार्ट से लिए थे, इसका मैंने वीडियो शेयर किया है। और ये जो है ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह में जो मिलते हैं ये वो वाले हैं। और ये पुराने वाले भी प्लास्टिक के जो राउंड वाले मैंने कुछ लिए थे जिसमें पापड़ वगैरह और कुछ जो है दाल वगैरह मैंने रखी हुई है। और ये जो है ये स्टील के डब्बे हैं जो उस तरफ जगह नहीं थे तो यहाँ पे रख दिए। अब इसके पीछे हम देखते हैं, इसके पीछे जो है मेरे सारे कैसरोल हैं। तो तीन कैसरोल यहाँ पे रखे हुए हैं जो गेस्ट आते हैं तो यूज होते हैं, अदरवाइज नीचे जो मैंने प्लेटफॉर्म के पास में रखे हैं उसमें ही मेरा एक कैसरोल में ही रोज का काम होता है। अब ये जो दूसरा वाला शेल्फ है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये दो प्लेट्स हैं। तो ये दिखने में, ये भी रिटर्न गिफ्ट वगैरह में मिली थी तो दिखने में काफी ब्यूटीफुल है तो मैंने इसको इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पे जो है इस एरिया में मैंने सारे जो कांच के ग्लासेस वगैरह हैं वो रखे हैं। और यहाँ पे जो है सारे मग हैं और ये जो है ये कप है। तो कुछ कप जो है डेली यूज के रहते हैं वो मैंने उसी में से जहाँ बर्तन मैं धोती हूँ उसमें से यूज कर लेती हूँ और बगल में शेल्फ में रखती हूँ। और ये कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अब इसके नीचे वाले शेल्फ में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो बॉटल है ये ऑयल की बॉटल है एक्स्ट्रा में। और इसमें कुछ DIY मैंने कुछ ऑयल वगैरह रखा हुआ था जो होममेड ऑयल वगैरह बना के, तो उसको इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। यहाँ पे जो कुछ स्पून है ये सेरेलेक वगैरह के और पुराने स्पून कुछ डिस्पोजेबल स्पून वगैरह भी वो मैं ऐसे रखी रहती हूँ कभी किसी काम में आए। और ये पुराना वाला जो है ये कप है। अब यहाँ पे ये जो है ये सारे कांच के बोल्स हैं, ये चीनी मिट्टी के कुछ फाइबर के भी बोल्स हैं। और ये जो ये स्टैंड है ये मेरा टिफिन का ही एक स्टैंड है। यहाँ पे छोटे चटनी वाले जो हैं चटनी ले जाने के लिए लावी के लिए मैंने दो ऐसे स्टील के खरीदे थे, ये भी डीमार्ट से मैंने खरीदे थे और ये भी किसी में मिला हुआ है। ये खाली है ये वाला डब्बा। और ये भी जो है ये छोटे वाले ऐसे बॉक्सेस किसी में मिले रहते हैं तो वो रख लेती हूँ। और ये जो है ये आपने देखा कि प्लेटफॉर्म में मैंने जो ऑयल का कटोरी वगैरह रखती हूँ तो ये नीचे और ऊपर रखने के लिए ये जो सॉसर है ये काम आते हैं। ये मीडियम साइज की नाश्ते वाली प्लेट है, ये जो है ये सारी कटोरी है और ये भी मीडियम साइज, ये थोड़ी छोटी वाली प्लेट्स हैं।
और ये एक एक्स्ट्रा प्लेट जो है ये भी मुझे हल्दी कुमकुम में मिली थी, ये वो है, एक ही है, तो इसको इस तरीके से मैंने रखा है। इसके पीछे भी जो ये दो आपको दिख रहे हैं, ये भी जो फाइबर के लावी को प्लेट्स वगैरह मिले थे रिटर्न गिफ्ट में, ये वो हैं, इसको इस तरीके से मैंने रख दिया है ताकि यहाँ पे जो है ये ट्रे है, तो इस अब इसके नीचे हम चलते हैं। इसके नीचे एक ड्रॉअर दिया हुआ है, इसमें मैं सारे अपने कुकिंग वाले स्पून रखती हूँ। अब ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो है ये वुडन स्पून है, ये कुछ बड़ी छन्नियाँ हैं, और ये जो है स्टील के स्पून है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये हैंड ब्लेंडर है, ये बीच में काम नहीं कर रहा था लेकिन अभी काम कर रहा है, तो मैंने वापस इसे निकाल लिया है। और यहाँ पे जो है ये कुछ बनाने के लिए ये सेव वगैरह का सांचा है, और कुछ नाइफ वगैरह है, एक्स्ट्रा स्टफ जो है वो रखा है। ये जो आप रोल देख रहे हैं जो मैंने अभी बताया, जो स्टिकर वाले जो रोल है, ये वही वाला रोल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा मैंने जो स्टिकर है यूज़ कर रखा है, और काफ़ी कुछ इसमें है जो मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, जिसमें भी जैसे भी लगता है, तो मैं इसको इस तरीके से इसमें से निकाल के लगा लेती हूँ। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा में पेंसिल में रखा हुआ है मैंने, तो इस तरीके से ये वाला मेरा ड्रॉअर है। अब इसके नीचे हम आते हैं, तो इसके नीचे जो है इस तरफ ये मेरा होममेड घी है, ये मैंने घर से लाया था, और उसके बाद होममेड ऑयल है, और यहाँ पे एक जार रखा हुआ है। और ये सारे जो भी कपड़े आप देख रहे हैं ये किचन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, हाथ वगैरह पोछने के लिए या बर्तन वगैरह पोछने के लिए यूज़ करती हूँ। तो कुछ दुपट्टे हो गए, या फिर हमारे पिलो के जो कवर हैं पुराने, वो सब यूज़ करती हूँ। और कुछ जो है आपको दिख रहे होंगे ये वाले जो हैं, ये सब मेरे सूट के हैं, जो कुर्ती हैं, कुर्ती को मैंने कट करके इसको सिल के ले लिया है। तो इस तरीके से भी ये काफ़ी मैं ये अब जब रोटी बनाती हूँ तो नीचे बेलन वगैरह चौकी रखने के लिए मुझे ये काम में आता है, इस टाइप के ये काफ़ी हैं। और ये एक जो पीस आपको ये देख रहे हैं ये बूंदी बनाने का सांचा है, तो ये बूंदी बनाने का सांचा कहीं और रखने की जगह नहीं है, सीधा इस तरीके से आता नहीं है, इस तरीके से ये नहीं रख सकते, इसलिए इसको ऐसे पीछे मैंने रख दिया यहाँ से, और ज़्यादा ये यूज़ भी नहीं होता यहाँ। अब इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के डब्बे जो हैं एक्स्ट्रा वाले, वो मैंने रखे हैं। यहाँ पे कुछ टूथपिक वगैरह रखे हैं, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। यहाँ पे एक डब्बा आपको ओपन जो दिख रहा है, ये जो है ये कपूर का डब्बा है, तो मैं यूजुअली जो है सारे शेल्फ में कपूर डाल के रखती हूँ, नेफ्थलीन बॉल नहीं डालती, क्योंकि खाने पीने का आइटम रहता है। तो ये जो डब्बा है खाली हो गया, इसमें थोड़ा सा कपूर था, तो इसलिए इसकी स्मेल के लिए मैंने इसे ऐसे ओपन करके रख दिया। इसमें जो है ये मेरी पुरानी रीठा शिका काई वगैरह कुछ रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर दो जो है मैं मिक्सी के जार रखती हूँ, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ है बोल्स रखती हूँ, जो मेरे चीनी मिट्टी के बोल हैं और कांच के बोल हैं, जो मैं यूजुअली आपको दिखाती हूँ, डिस्प्ले करती हूँ फूड वगैरह अपना आइटम वीडियो में, तो आप इस पे आप इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ रीठा रखा हुआ है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और यहाँ पे एक फाइबर की प्लेट, फाइबर का बोल था, उसका वो बोल नहीं रहा लेकिन उसका जो ढक्कन है वो है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। अभी जो लास्ट वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा मैंने राशन जो है एक्स्ट्रा राशन लिया हुआ है, जो पैकेट खुले नहीं रहते, बड़े बड़े आइटम जो हैं, जैसे आटा हो गया, ये साबूदाना है, और दाल वगैरह है, रवा वगैरह है, पोहा वगैरह, ये सारा आइटम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये शेल्फ मैंने इसीलिए जब भी मैं डी मार्ट वगैरह से या जो भी राशन की शॉपिंग करती हूँ तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला कैबिनेट हो गया। तो इतना ही कैबिनेट मेरे पास है, और ये इतना स्टोरेज के लिए है। तो ये अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कपड़े से जो ढका हुआ जो ये है, ये मेरा पुराना वाला जो है कूलर है, छोटा वाला, काम नहीं करता, तो मैंने ढक के यहाँ पे रख दिया। इसके ऊपर में यहाँ पे आपको एक छन्नी दिख रही, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखने के काम आता है। और यहाँ पे जो है ये आपको एक जो मेरी प्लास्टिक का जो डब्बा दिख रहा है, ये जो कपड़े जो दिख रहे हैं ये सब धोने वाले कपड़े हैं, जो भी नैपकिन्स वगैरह निकलती हैं किचन की वो मैं इसमें रख देती हूँ, जब ये पूरा फुल हो जाता है तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। और इसको मैंने एक स्टैंड पे रखा है, तो ये जो स्टैंड है
ये मटका रखने का स्टैंड है, तो अभी फिलहाल मटका नहीं है तो इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये जो है ये वाले डब्बे पे मेरा जो एक्स्ट्रा जो डिटर्जेंट है वो मैं रखती हूँ, तो काफ़ी बड़ा है उसमें काफ़ी कोई डिटर्जेंट आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस तरफ एक कैबिनेट है और इस और ये कूलर है। उसके बाद जो है ये मेरा फ्रिज है, फ्रिज मेरा छोटा सा फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर जो है ये मैंने एक स्नैक्स ये माउथ फ्रेशनर का बॉक्स के हिसाब से मैंने बॉक्स रखा है। इसमें कुछ आइटम अभी ज़्यादा नहीं है, सब खत्म हो गए, तो ये थोड़े बहुत जो हैं खाने के बाद खाने के लिए, या कभी कभी इसमें चॉकलेट्स वगैरह भी सब डाल के रखे रहती हूँ, तो ये इस तरीके से हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं इस तरीके से। अब इसके बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टील का जो डब्बा है और यहाँ पे एक स्टील का जो कंटेनर है डोंगा जो रखा हुआ है, ये इसमें मैंने आज राइस और दाल भी गाया है, मेरे को इडली का बैटर पीसना है। तो ये सब ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है तो ये जो ऊपर वाली जो स्पेस है मेरे फ्रिज की, ये मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी छोटे मोटे आइटम इस तरीके से रखे हुए हैं। ये स्विच बोर्ड है, इसके बगल में एक मैंने हुक लगा दिया है। यहाँ पे जो है हमारा शॉपिंग बैग वगैरह रहता है, सब्जी वगैरह लाना रहता है, तो ये दो मैंने ऐसे हैंग कर दिया है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल जो किचन है उसका मैं टूर मैंने किया है। इस बीच लावी को भूख लग गई तो मैंने अभी पराठा भी उसके लिए सेका। मैं इस तरफ वाले आपको ये मैं दिखाना भूल गई, ये जो है एक तरफ कैबिनेट में आपको ये ऊपर जो एक डब्बा दिख रहा है, कार्टन जो दिख रहा है, इसको मैंने ब्राउन कलर के पेपर से कवर किया है। इसके अंदर भी बहुत सारी पॉलीथिन रहती है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो भी पॉलीथिन है वो मैं अंदर एक डब्बे में रखती हूँ, जब ये डब्बा भर जाता है तो ये पूरा मैं इसको ऊपर इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। तो ये सारी पॉलीथिन इस तरीके से मैं सेव करके रखती हूँ ताकि मैं इसका कुछ DIY करूँ। और उसके बगल में भी आपको पॉलीथिन दिख रही है, उसमें कुछ प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हैं, प्लास्टिक के डब्बे मतलब जो हम ये लिक्विड सोप वगैरह जो यूज़ करते हैं उन सब के जो हैं, या शैम्पू वगैरह, उसके मैंने वहाँ पे कलेक्ट करना शुरू किए हैं ताकि एक साथ या तो भंगार वाले को दे सकें या तो फिर उसका DIY करना हो तो कर सकें। तो इस तरीके से ऊपर मैंने वो इसके लिए रखा हुआ है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल किचन है। इसके ऊपर भी मैंने एक छन्नी टांग के रखी हुई है, तो ये फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए काम आती है, सब्जी वगैरह जब साफ करती तो यूज़ होती है। ये मैंने एक सिला हुआ एक छोटा सा बैग जैसा बनाया था, ये ऐसी डेकोरेटिव पीस जैसा है, तो वो लावी को मैंने टॉय के लिए दिया था, उसने नहीं रखा तो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो ये मेरा आज का किचन का टूर हो गया है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल किचन का लुक है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।